मुझे अच्छी लगी, मतलब फनी है, कॉमेडी है मूवी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आ गई हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज है सैटरडे और आज मैं बना रही हूँ राजमा और राइस। तो वैसे तो क्या सुबह की जो ड्यूटी होती ना वो अर्ली कुकिंग वाली होती है, बट आज है ना सैटरडे तो मेरा कोई ऐसा मतलब वो जो हड़बड़ी होती ना सुबह वाली मंडे टू फ्राइडे वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ़िलहाल आज मैं मतलब सैटरडे को मतलब यही है कि थोड़ा लेट ही लंच बनाती हूँ, तो फ़िलहाल मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ लंच के टाइम पे। और ब्रेकफास्ट वगैरह भी बना दिया था, तो ब्रेकफास्ट आज बहुत ही लाइट सा सिंपल सा ब्रेकफास्ट था। तो मेरा तो खैर इतना कुछ खास खाने का मन भी नहीं रहा था, तो मैंने फ्रूट वगैरह खा लिया और कॉफ़ी के साथ बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे। बच्चों के लिए मैंने प्लेन पोहे घी में बना दिए थे, तो उनको वही बहुत पसंद आता तो मैंने वही बना दिया था। तो फ़िलहाल अभी मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट लंच के टाइम पे। और मैंने रात को ही मतलब फ्राइडे नाइट में मैंने राजमा भिंगो दिया था, तो मैंने सोच रखा था कि हाँ मैं राजमा बनाऊँगी सैटरडे को डे टाइम पर। तो बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता और साथ में मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस ये देख सकते हैं यार, मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट लिया है और थोड़ा सा तेल में जीरा ऐड किया है, थोड़ी बहुत इसमें काली मिर्ची ऐड कर दी है और तेज पत्ता ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, हल्का सा ब्राउनिश होने लगे। इसके बाद इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दूँगी और राजमा है ना मैं बॉईल कर लिया है ऑलरेडी, रात में मतलब सोक करे थे तो अच्छे से भींग गए थे। फिर मैंने इसे बॉईल करके खूब अच्छे से 3-4 सीटी अच्छे से मतलब पूरा प्रॉपर कुक हो जाए इस तरीके से बॉईल करके साइड में रख लिया है। और इसकी यहाँ मैं ग्रेवी कर रही हूँ तैयार। तो ये प्याज भी फ्राई हो गया है और ये है जो टमाटर की प्यूरी। तो आप सोच रहे होंगे येलो येलो टमाटर की प्यूरी, नहीं, तो इससे मैंने ना कच्ची हल्दी होती ना वो मैंने ऐड कर दी जब मैं इसकी प्यूरी बना रही थी ना टमाटर के, उसी टाइम मैंने कच्ची हल्दी भी ऐड कर दी थी, तो इस वजह से इसका कलर इस तरीके से है। और सच में इस तरीके से जब मैंने ऐड करके बनाया ना तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था, मतलब बनने के बाद का मैं बता रही हूँ, तो सिर्फ रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो है ना काफ़ी एक अच्छा सा कलर भी आ रहा था और बनने पे ना बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था खाने में भी। तो ये देखिए यहाँ पे सारे मैंने मसाले जो ड्राई मसाले होते हैं ना वो मैंने एक साथ ले लिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें मैंने हल्दी नहीं ऐड करी है क्योंकि उस टाइम है ना टमाटर में हल्दी ऑलरेडी ऐड करी थी, तो इस वजह से यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने बस मतलब कह सकते कि 10% और है। फिर उस टाइम पे मैंने उस पॉइंट पे आके मसाले ऐड कर दिए जो मैंने अच्छे से भिंगोए थे ना मसाले, वो ऐड कर दिए। इसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और जितना ये फ्राई होगा उतना ही अच्छा इसकी ग्रेवी होगी, पनीर वो सॉरी राजमा की। कहते हैं ना जितना मसाला भुने उतना ही टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो बस मैंने अच्छे से बिल्कुल भून लिया है, जैसे होता है ना प्याज और टमाटर का जो रॉपन होता है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए, तो वो चीज़ हो गई है। फिर मैंने इसमें बॉईल किया हुआ राजमा ऐड कर दिया, साथ में खूब सारा घी ऐड कर दिया और ऊपर से कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिए। और आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ भी देखने से ही लग रहा कि हाँ ये बहुत ही टेस्टी होगा। तो यस ये बहुत टेस्टी बना और राजमा के साथ तो राइस का कॉम्बिनेशन ऑसम है। तो बस मैंने इसके साथ ही स्टीम राइस बनाए हैं। और वैसे तो ये राजमा के साथ है ना आप चपाती खाओ या पराठे खाओ वो अपनी चॉइस पे है, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बस इस तरीके से हो गया राजमा डन और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे इवनिंग के टाइम पे और हम जा रहे हैं मूवी देखने। जैसा कि आप सभी को पता है नई मूवी रिलीज़ हुई है, तो बस यस हम भी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ऐसे तो मूवी मुझे अच्छी लगी, मतलब फ़नी है, कॉमेडी है मूवी में।
और बस गए थे। मुझे तो ये होता है कि एक थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो बस मूवी देख कर आए और सोचा थोड़ा बहुत खाना भी घर पे था, बट यही था कि मैंने सोचा कुछ ना कुछ बाहर जाते हैं तो खाना हो ही जाता है, तो हमने भी वहीं से ही खा लिया था। तो जो भी खाना था वो मैं पहले ही फ्रिज में स्टोर करके गई थी, मैंने कहा मालूम नहीं कितनी देर हो जाए कितनी नहीं, तो फिलहाल इतना कुछ खास ही नहीं बचा, बट हाँ थोड़ा बहुत ही था तो वो मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर। और आज मैं मिल रही हूँ आपसे संडे को, तो अभी मैं बना सोच रही हूँ कुछ लाइट सा ऐसी ब्रेकफास्ट बनाऊँ जो क्विक सा बन जाए, और इसके बाद लंच भी थोड़ा ऐसे सिंपल सा ही बनाऊंगी, और फिर देखते नाइट में क्या करना है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं कि कुछ कुछ ऐसे मेरे पेंडिंग काम हैं जो मैंने सोचा है कि मैं आज संडे है ना तो कर लूँगी, क्योंकि रेगुलर डेज में बहुत कुछ होता है जो हम सोचते हैं बट वो उतनी चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती हैं। तो चलिए चलते हैं फिलहाल किचन में और बनाती हूँ एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट हेल्दी सा। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाऊंगी क्विक सा ब्रेकफास्ट जो जल्दी से बन जाए फटाफट में। तो मैंने यहाँ पे लिया बारीक कटा प्याज, लिया बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड किया, और इसमें ऐड किया चंकी चाट ऐड किया, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर एंड वाइट सॉल्ट, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। और बस इसको ये जो ब्रेड की स्लाइस है ना इस पर मैं स्प्रेड कर लूँगी। वैसे तो मुझे ना इस पर बटर भी लगाना था पहले, बट हुआ यूँ कि बटर है ना फ्रिज में ही था तो मैंने फ्रिज से निकाला तो बहुत ज़्यादा भी हार्ड है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल लगाने का, वैसे का वैसे मैंने रख दिया वो। वैसे मैं अगर मेरा ये डिसाइड होता ना कि मुझे ये ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस बनाने तो मैं बटर निकाल करके एक नाइट पहले रख देती तो बिल्कुल सही रहता है लगाने में, बट अभी क्या है वो बिल्कुल फ्रिज वाला ना बिल्कुल हार्ड हार्ड है तो बहुत टफ हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने इसमें बटर नहीं लगाया है। और यहाँ पे सारी वेजेस से जो भी वेजेस कट करी थी वो स्प्रेड कर दी, ऊपर से चीज़ स्लाइस ऐड कर दी है, और बस अब इनको कर दूंगी मैं इसमें टोस्ट, और ये बहुत अच्छा लगता है, जिसका मन नहीं भी हो ना वो भी इस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करेगा। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ना ये साक्षी और मैं खुद के लिए, हस्बैंड के लिए, हम तीनों के लिए हो जाएगा। और हैत्विक को तो वही है ऑनियन टोमेटो वाली चीज़ें पसंद नहीं आती, तो उसके लिए मैंने प्लेन चीज़ लगा करके इस तरीके से टोस्ट कर दिए, तो वो इस तरीके से खा लेगा, उसे भी काफ़ी पसंद आता है। और साथ के साथ ही मैं बना रही हूँ मसूर की छिलके वाली दाल, ये दाल है ना बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो बस वही है कि पहले मैंने इसे ना मसूर की दाल को जिस टाइम मैं ब्रेकफास्ट बनाई थी उसी टाइम ही मैंने इसे गर्म पानी में भिंगो दिया था अच्छे से, तो और ये जल्दी भींग भी जाती, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो बस इसमें मैं हल्दी और नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसे पहले अच्छे से बॉयल कर दूंगी, इसके बाद इसको करूँगी फ्राई। तो बस मैंने ऑयल लिया है, जीरा ऐड कर दिया है, हींग ऐड कर दिए, और जो कि जो बेसिक से मसाले होते हैं वो ऐड करना है, और टमाटर ऐड कर दिया, बस इसी से ही इसका मतलब दाल को करूँगी फ्राई। और बस ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे चपाती से खाओ, पराठों से खाओ या राइस से खाओ, किसी भी चीज़ से खाओ, काफ़ी टेस्टी लगती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है और बहुत इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वाले वीडियो का भी करूँगी एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा, और इंजॉय किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।